स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्किन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि अल्किन्स में केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बने बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसीलिए अल्किन्स जनरली इनर्ट होते हैं और ये एसिड, बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर ये सर्टेन रिएक्शंस शो करते हैं, जिसमें एक तरह की रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मतलब यह है कि अल्केन के एक हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप से रिप्लेस करके हम एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। इसके लिए हम हैलोजन्स, नाइट्रो ग्रुप या सल्फोनिक ग्रुप का यूज करते हैं। हैलोजन्स के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी हैलोजिनेशन रिएक्शंस या तो हायर टेम्परेचर्स लाइक 573 टू 773 केल्विन या फिर डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होता है। एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा कि लोअर अल्केन्स नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन की। यहां पर अल्केन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके हैलो अल्केन फॉर्म करेगा। यहां पर रिएक्शन में लिखा हुआ एक्स हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हैलोजिनेशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन तीन स्टेप्स में होती है, जिसमें पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप। इसको समझने के लिए हम मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जब लाइट क्लोरीन मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन क्लोरीन के बीच प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है और हमें क्लोरीन रेडिकल देता है। यह क्लोरीन रेडिकल मीथेन में प्रेजेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बना हुआ बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक होता है और हमें HCl और मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाता है। हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो यह फ्री रेडिकल अब क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता है, जिससे कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटकर हमें क्लोरोमीथेन और क्लोराइड रेडिकल दे देता है। यह हमारा सेकेंड स्टेप प्रोपोगेशन स्टेप होता है और यह स्टेप बार बार रिपीट होती रहती है। हैलोजिनेशन का तीसरा और फाइनल स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। इस स्टेप में रिएक्शन के बाद बचे हुए रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर क्लोरीन मॉलिक्यूल या फिर हायर अल्केन्स फॉर्म कर देते हैं। यदि हम हैलोजिनेशन रिएक्शन के टुवर्ड्स हैलोजन्स की रिएक्टिविटी देखें तो उसका ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन होता है। हमने अभी देखा है कि रिएक्शन के दौरान रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, तो रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना भी उतना ज़्यादा आसान होगा। इसीलिए अल्केन्स के हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट का रेट भी फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के ऑर्डर के जैसा ही होता है, यानी कि सबसे तेज़ी से हैलोजिनेशन रिएक्शन 3 डिग्री अल्केन्स देंगे, फिर 2 डिग्री अल्केन्स देंगे और फिर 1 डिग्री अल्केन्स देंगे, क्योंकि रेडिकल्स इसी ऑर्डर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फ्लोरीन
हैलोजिनेशन रिएक्शन के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए यह रिएक्शन इतनी वायलेंटली होती है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जबकि आयोडीनेशन रिएक्शन काफ़ी स्लो और रिवर्सिबल नेचर की होती है। यदि हमें इस रिएक्शन को कराना है तो इसके लिए सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि HiO3 और HNO3। तो जब अल्केन्स आयोडीन से रिएक्ट करते हैं तो HI बनता है। यदि हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बने हुए HI के साथ रिएक्ट करके वापस आयोडीन दे देता है, जिससे कि रिएक्शन में कंटिन्यूसली HI कंज्यूम होता जाता है और आयोडीनेशन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। चलिए अब हम बात करते हैं अल्केन्स के कंबशन की। यदि हम अल्केन्स का कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पर हमें CO2 गैस और वाटर मिलता है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और यही रीज़न होता है कि हम अल्केन्स को अपनी डे टू डे लाइफ में फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। यदि हम अल्केन्स के कंबशन की जनरल रिएक्शन लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिनोट करता है, जो कि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यदि हम अल्केन्स का कंबशन सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराते हैं तो कंबशन के दौरान प्रोड्यूस फ्लेम ब्लू कलर का होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हम घरों में LPG को स्टोव पर बर्न करते हैं तो हमें ब्लू फ्लेम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर हम सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में LPG गैस को धीरे धीरे बर्न करते हैं। यदि हम अल्केन के कंबशन का एक एग्जाम्पल लें तो उसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, जिसमें अगर हम प्रोपेन के एक मोल को 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें CO2 के 3 मोल्स मिलेंगे और वाटर के 4 मोल्स मिलेंगे। वहीं अगर हम अल्केन्स का इनसफिशियंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कराते हैं तो इनका कंबशन कंप्लीट नहीं होता है, या फिर कहें कि इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन के रिजल्ट के तौर पर हमें कुछ अमाउंट में कार्बन ब्लैक मिलता है, जिससे कि जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसका कलर येलो रेड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मीथेन का इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं तो हमें कार्बन ब्लैक और H2O मिलता है।